हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रवि कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। स्टूडेंट, आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मल्टीप्लाइंग और एडिटिव कांस्टेंट। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को हम के से शो करते हैं और एडिटिव कांस्टेंट को हम सी से शो करते हैं। आपने टैकोमेट्री मेथड से सर्वेइंग में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जरूर कैलकुलेट की होगी, जहां हम क्या करते थे, अपर स्टीरिया रीडिंग माइनस लोअर स्टीरिया रीडिंग इंटू 100 जब हम करते थे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल के आ जाती थी। एक होता है हमारा मल्टीप्लाई कांस्टेंट और हमारा एक होता है एडिटिव कांस्टेंट। क्या किया है, इसी के सेंटर से 10 मीटर की डिस्टेंस पर स्टाफ को प्लेस किया है, फिर वही अपर स्टीरिया रीडिंग और लोअर स्टीरिया रीडिंग ली है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर कुछ और भी डिस्टेंस ले सकते हो, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि यहाँ पर आप 5 ही लो, यहाँ 10 ही लो, जो आप चाहो वो डिस्टेंस आप ले सकते हो। आप देख रहे हो जो अपर रीडिंग होगी अपर स्टीरिया की वो बढ़ती जाती है, ये 1.230 है, यहाँ ही रीडिंग बढ़नी चाहिए, लेकिन ये कम है क्योंकि सरफेस प्लेन नहीं था वहाँ पर। ठीक है, और नीचे वाली जो रीडिंग है वो हमेशा घटती है, यहाँ पर 1.180 है और ये 0.830 मीटर है हमारा, तो ये है रीडिंग। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन की। तो जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा D=KS+C। यहाँ D क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है। K क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है जिसको हम अभी डिटरमाइन करेंगे। S क्या होता है, हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट। स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता है, जब हम अपर स्टीरिया रीडिंग में से लोअर स्टीरिया रीडिंग को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट निकल कर आ जाता है। और C क्या है, हमारा एडिटिव कांस्टेंट। जो भी हमारे मोस्टली सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट उनका जीरो होता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम अगर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट का नहीं पता है तो कैसे डिटरमाइन करें, वो पूरा प्रोसीजर यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तो ये D1 डिस्टेंस सबसे पहले नोट कर लेनी है, कितना है हमारा 5 मीटर। D2 डिस्टेंस कितना है हमारा 10 मीटर। ठीक है, हम दो जगह रखकर कर रहे हैं, आप चाहो तो 3 जगह 4 जगह पर भी स्टाफ रख के रीडिंग को कैलकुलेट कर सकते हो। जब हम D1 डिस्टेंस पर थे, मतलब यहां पर थे 5 मीटर की डिस्टेंस पे, तो ये अपर स्टीरिया रीडिंग क्या आई है, US को मैंने शो किया अपर स्टीरिया रीडिंग से 1.230, ये मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद लोअर स्टीरिया की रीडिंग कितनी आई है 1.180, इसे मैंने यहां लिख दिया। जब टर्म 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, मतलब D2 पर, तो अपर स्टीरिया रीडिंग कितनी है 0.930 और लोअर स्टीरिया रीडिंग कितनी है 0.830। तो अब हमें क्या करना है, के और सी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो इस तरीके की क्वेश्चन आपने बहुत सारी सॉल्व की होंगी क्लास 7 में, क्लास 8 में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले D1 वाली जो सारी रीडिंग्स हैं उनको D=KS+C में पुट कर देना है। सपोज आज हम D1 के लिए ले रहे हैं तो D1 की वैल्यू 5 मीटर D वाले में हमने पुट की, K की वैल्यू हमें नहीं पता है, K की वैल्यू एज इट इज हमने छोड़ दिया। S की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब हम 1.230 में से 1.180 को माइनस कर देंगे तो हमारा 0.05 आ जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। प्लस C की वैल्यू भी नहीं हमें पता, ये भी हमने एज इट इज लिख दिया। अब सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है, D2 स्टेशन की जो भी रीडिंग है हमें उनको इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है। साइन चेंज करने के बाद हमें क्या करना है, 5 में से 10 आप जब माइनस करोगे क्योंकि माइनस ज्यादा है तो माइनस का हमने साइन लगा के 5 लिख दिया, K 0.05 में से K 0.1 को जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा K 0.05, माइनस की वैल्यू हमारे पास ज्यादा है तो माइनस का हमने साइन लगाया। उसके बाद क्या करना है, माइनस से माइनस कैंसिल किया और के की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 100। ये कांस्टेंट है, इसका कोई भी यूनिट हमारा नहीं रहता। क्या करना है हमें, सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसे हम एडिटिव कांस्टेंट कहते हैं। अब क्या करना है हमें, के की इस वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दीजिए। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में के की वैल्यू को पुट कर दिया है यहां से, तो इस तरीके से आ जाएगा, ये वाली हमारी इक्वेशन है 5, के की वैल्यू 100, 0.05 प्लस सी। यहाँ जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, इधर 5 है ही, ठीक, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये 5 उधर आ गया, 5 से 5 कैंसिल 0। तो इस तरीके से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मल्टीप्लाइंग और एडिटिव कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं।